हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल नेम आर्ट वाला वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह के जो नेम आर्ट वाला स्टेटस वीडियो है अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह का नेम आर्ट वाला वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो आपके वीडियो में बहुत सारे व्यू लाइक आ सकते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का नेम वाला स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आपको लाइट मोशन प्रो ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है शुभम टेक ऑफिशियल। सर्च करते ही फर्स्ट में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का इस तरह से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, आपको अलाइट मोशन प्रो ऐप देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अलाइट मोशन, तो इस वाले अलाइट मोशन प्रो ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा वो सारा मटेरियल आपको इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। यहाँ से आपको 960 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस, आपको सबसे पहले इसमें एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लस वाला, इस पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। तो यहाँ पर आपको इस समय एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। ये वाली जो साउंड वाली वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से आपको साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो के साउंड को यहाँ पर लगाना है, तो साउंड वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा थ्री डॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एस्ट्रक आइडियो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो को जो साउंड है हमारे वीडियो लग जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो साउंड वाली लेयर है वो आ चुकी है। अब आपको इस वाली वीडियो को डिलीट करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड वाली वीडियो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा टेस्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको उस वाले लेटर को लिखना है जिस भी लेटर से आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो गाइस, हम ए लेटर वाली वीडियो को यहाँ पर बनाएंगे। अब गाइस, आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा रोबोटो रेगुलर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, इस वाले फॉन्ट को आपको ऐड करने के लिए आपको व्यू वाले फॉन्ट पर जाना है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में तीन लाइन देखने को मिल जाएंगी, तीन लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने का नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट फॉन्ट, इंपोर्ट फॉन्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका फाइल मैनेजर ऐप है जो ओपन हो जाएगा। जहां पर भी आपने फॉन्ट को सेव किया है तो आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करके अलाइट मोशन ऐप में फॉन्ट को ऐड कर लेना है। और दोस्तों, आपको ये वाला जो फॉन्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब गाइस, आपको लेटर को थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 18 PT, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको फुल करना है। इस तरह से हमारा जो लेटर है इस तरह से बड़ा हो जाएगा। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस, आपको लेयर के एंड में जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही साउंड के लेयर के बराबर लेटर वाली जो लेयर है वो हो जाएगी। अब आपको लेयर के शुरू में आना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड फिल वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो ब्लैक कलर को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको बैक आना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर एंड शैडो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इसको आपको इनेबल करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको व्हाइट वाले कलर को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का ऐड इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ड्रॉइंग वाले इफेक्ट को।
सर्च करते ही फर्स्ट में जो ड्राइंग वाला इफेक्ट है वो आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एंड वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको लेयर में व्हाइट मार्क लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही लेयर में व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस से जो एंड वाला ऑप्शन है इसको आपको जीरो पर लाना है। इस तरह से हम इसको जीरो पर ला देंगे। अब गाइस आपको लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इस तरह से आपको लेयर को 8 सेकंड तक आगे बढ़ाना है। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही लेयर में व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस ये जो एंड वाला ऑप्शन है इसको आपको 100 पर ले जाना है। इस तरह से हम इसको ले जाएंगे। अब आपको लेयर के शुरू में आना है। तो गाइस आपके वीडियो में इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस हम लेटर को थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से यहां पर लगा दें। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहां से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको इस समय एक पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। ये वाला जो पार्टिकल इफेक्ट है गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से आपको पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको पार्टिकल इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको लाइट एन पर जाना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको बैक करना है। तो गाइस आपके वीडियो में कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा, आप देख सकते हैं। अब गाइस आपको इसमें एक और पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। मीडिया पर जाना है, ऑल पर जाना है। इस तरह से आपको पार्टिकल इफेक्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। ये वाली जो पार्टिकल इफेक्ट वाली वीडियो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको पार्टिकल इफेक्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने का नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, पर क्लिक करना है। क्लिक होने का नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइटन वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से गाइस आपको बैक आना है। नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऐड इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है शिफ्ट वाले इफेक्ट को। सर्च करते ही जो तीसरे नंबर पर शिफ्ट वाला इफेक्ट आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट के लेयर में व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही लेयर में व्हाइट मार्क लग जाएगा। अब गाइस ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको बढ़ाना है। इस तरह से आपको इसको 4x तक इसको बढ़ाना है। अब गाइस आपको लेयर के एंड में जाना है। यहाँ पर भी आपको व्हाइट मार्क को लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करते ही लेयर में व्हाइट मार्क लग जाएगा। अभी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको जीरो पर लाना है। इस तरह से हम इसको जीरो पर ला देंगे। अब आपको लेयर के शुरू में आना है। अब यहाँ से गाइस आपको बैक आना है। तो गाइस हमारे जो वीडियो है पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग नेम वाली स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।